हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में हॉनर 7S की अनबॉक्सिंग करूंगा, जो कि मेरे पास यहां पर है, जो कि मेरे भैया दुबई से लाए हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और इसका ओवरव्यू और रिव्यू भी बताएंगे और पैकेज में क्या क्या है ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ऑनर 7S की बॉक्सिंग स्काई ब्लू कलर में है। तो इस सबसे ऊपर में दिया ये 2 साल की वारंटी है इस फ़ोन की। तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका डिस्प्ले 5.4 इंचेस का है, प्लस रियर कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, इसमें डबल सिम स्लॉट प्लस सेपरेट मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है और इसकी बैटरी 3020 mAh की है। तो चलिए इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर ही आपको फ़ोन दिखा देगा जो हॉनर की ब्रांडिंग के साथ आता है। तो इसको साइड में रखते हैं। तो पहले कुछ बॉक्स के और सामान के बारे में बात करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले एक सिम इंजेक्टेड टूल मिलता है, उसके बाद एक पेपर वर्क है, यूज़र मैनुअल और एक हार्ड केस है, ट्रांसपेरेंट हार्ड केस है जो कि जिसकी क्वालिटी अच्छी है नॉर्मल। और इसके बाद इसमें एक दुबई का चार्जर है जिसका आउटपुट है 5V 1 A जो कि एक स्लो चार्जर है। और इसके साथ ही USB केबल है, डिसेंट क्वालिटी के USB केबल आती है इसके साथ में। तो इसको साइड में रखते हैं। इसमें एक चीज़ और है, एक हेडफोन जैक है। तो बस बॉक्स में इतना ही कुछ था। तो बाकी हेडफोन जैक भी कोई डिसेंट क्वालिटी का ही है। तो बाकी सबको साइड करते हैं और मोबाइल को के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मोबाइल के बारे में देख सकते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। नीचे में 3.5 माइक्रो यूएसबी पिन है, उसके साथ ही माइक के लिए एक छेद दिया हुआ है। और इस साइड में स्क्रीन लॉक बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक है जो कि आईफोन्स में नहीं होता है, ये तो एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ सिम ट्रे है। तो इसको खोल कर देख लेते हैं। My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो सबसे पहले इसकी कैमरा क्वालिटी हम चेक करते हैं। फ़ोन थोड़ा सेट करना पड़ा है। तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों की फ़ोटो।
इसमें एक चीज सबसे अच्छी सबसे कॉमन है इसका फेस ब्यूटी, इसमें फेस ब्यूटी बहुत ज़्यादा फेस को शाइनिंग कर देता है। तो बस, और पीछे की तरफ एक कैमरा है और फ्लैश है जो कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस फ़ोन में देखिएगा कहीं भी स्पीकर ग्रिल नहीं है क्योंकि इसका स्पीकर ये ऊपर में ही फ्रंट में ही है। कोई सॉन्ग चला कर देख लेते हैं। आप सुन सकते हैं। तो बस ये फ़ोन मुझे 325 रियाल का मिला है। इसका मैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट का लिंक शेयर कर दूंगा आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको अगर परचेस करना होगा तो परचेस कर सकते हैं। मुझे तो ये फ़ोन डिसेंट क्वालिटी का डिसेंट लगा क्योंकि ये तकरीबन 6,500 यहाँ के है रुपये में आएगा, 6,500 रुपये में आएगा यहाँ पे। तो अगर आपको परचेस करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये फ़ोन परचेस करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। और हम मेरे सोशल मीडिया से हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।